हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें जो ये फिगर दी गई है, हमें इस फिगर को चेक करके ये बताना है कि यहाँ पर जो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये तीन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एडजेसेंट एंगल बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। अब ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल में जो पहली प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं वो ये होती है कि दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है या नहीं। देखिए, एंगल 1 भी इस पॉइंट पर बन रहा है और एंगल 2 भी इसी पॉइंट पर बन रहा है, यानी इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स तो है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या इन दोनों एंगल्स की कोई कॉमन आर्म है। यह आर्म का मतलब होता है रे। देखिए, ये जो रे है इसी को आर्म भी कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम एंगल 1 को देखें तो एंगल 1 इन दो रेस से बन रहा है, तो ये वाली रे एंगल 1 में आ रही है। और अब आप एंगल 2 को देखिए, एंगल 2 इन दो रेस से बन रहा है, तो ये रे एंगल 1 में भी आ रही है और एंगल 2 में भी, यानी कि इन दोनों एंगल्स की एक कॉमन आर्म भी है, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। और दो एडजेसेंट एंगल्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स कि जो दो एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कॉमन आर्म की अलग अलग साइड में होती हैं। जैसे एंगल 1 की जो नॉन कॉमन आर्म है वो ये वाली आर्म है और एंगल 2 की जो नॉन कॉमन आर्म है वो ये वाली आर्म है। अब देखिए, ये दो नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म की अलग अलग साइड में है। अब इस तरीके से अगर हमें फिगर दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स तो एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। लेकिन अब हमें इस फिगर में चेक करना है कि यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 इस पॉइंट पर बन रहा है और एंगल 2 इस पॉइंट पर बन रहा है, यानी इन दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। इसका वर्टेक्स यहाँ पर है और इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो एडजेसेंट एंगल की जो पहली प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जब एडजेसेंट एंगल की पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। तो इसके आंसर में हम यही लिखेंगे, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स नहीं है बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ये दोनों एंगल्स अलग अलग पॉइंट्स पर बन रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।